तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VLOOKUP के कुछ ट्रिक्स और कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें मेरा नाम है और यहाँ पे सेल्स है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जैसे मान लीजिए पूजा है, तो कभी पूजा है और आगे तो पूजा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पूजा कुमारी हो जाता है, पूजा सिंह या पूजा शर्मा हो जाता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि पूजा हो या पूजा शर्मा हो, वो हाईलाइट वो हमारा डेटा दे दे। जैसे अभी मान लीजिए मैंने पूजा दिया और हमने यहाँ पे नॉर्मल जो व्यू कब लगाते हैं वो हमने यहां से लगा दिया, राइट। अब मान लीजिए कि डेटा के अंदर में, डेटा के अंदर में मान लीजिए मेरे पास एक पूजा शर्मा हो गया या पूजा सिंह हो गया, तो फिर मेरा डेटा नहीं आएगा। तो हमें इसी को करना है कि पूजा हो या पूजा शर्मा हो या पूजा सिंह हो, हमारा टोटल यहां पे दिखना चाहिए, हमें सॉरी हमारा डेटा यहां पे दिखना चाहिए। उस केस में अगर मैं पूजा की तरफ स्टार लगा देता हूं, लाइक कमांड इसको बोलते हैं, तो डेटा हमारा आ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो डेटा है ऐसे सारे डेटा है, तो सब में जाके मैनुअल इस तरह की चीजें लगाना तो पॉसिबल नहीं है ना। मान लेते और भी चीज यहां पे हो तो सब में जाके मैनुअली स्टार लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पूजा में लगाया था, राइट। तो यहां पे हम VLOOKUP में ही कॉनकेटेनेट कर लेते हैं, यहां पे इन्वर्टर कॉमा में स्टार और हमने एम्परसेंड दिया और लास्ट में भी वापस एम्परसेंड और इन्वर्टर कॉमा में स्टार दे। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ स्टार अगर आप लगा देते हैं, जैसे स्टार पूजा स्टार इसको बोलता है कंटेन, कंटेन मतलब कि पूजा सिंह हो पूजा शर्मा हो या फिर यहां पे लिखाओ कुमारी पूजा, फिर भी ये आपको देगा पूजा की पोजीशन कोई भी हो, लेकिन मैं चाहता कि नहीं पूजा इज द लास्ट पोजीशन। तो यहां पे हम देंगे पूजा, अब यहां पे मैं VLOOKUP देता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं कॉमा 2.0। अब यहां पे देखिए पूजा अभी डेटा आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहां पे पूजा सिंह कर दिया तो मेरा ये डेटा एन नहीं देगा, क्योंकि यहां पे एन भी हमने पहले स्टार लगाया पूजा, मतलब पूजा से पहले कुछ भी हो सकता है, बट पूजा लास्ट में होना चाहिए। ऐसे मैंने यहां पे कर दिया पूजा, यहां पे स्टार लगा दिया। अब मैं यहां पे VLOOKUP लगाता हूं, रिजल्ट आएगा क्योंकि पूजा सिंह है, लेकिन एक मैं कुमारी पूजा करूं तो रिजल्ट नहीं आए। तीसरा इसमें आता है कि मेरे पास यहां पे नाम नहीं है लेकिन दो डिजिट का कोड है D1, समझे। अब D1 की जगह पे D1 हो सकता है, E1 हो सकता है, F1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या है कि ये हमारा वेंडर है जिसको हम कोड देते हैं जो दो डिजिट का होता है, हम इसका नाम नहीं डालते, तो हम यहां पे लुकअप करना चाहते हैं सेल्स, लेकिन मेरे पास लुकअप करने के लिए कोई डेटा नहीं है।
यहां लुकअप वैल्यू नहीं है, तो आखिर लुकअप किसका करना है? तो इसके लिए यहां पे हम दो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और फिर वीलुकअप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क से क्या हुआ कि उसने दो करेक्टर, जिस समय दो करेक्टर है वो उठा लिया। अब यहां पर क्वेश्चन आती है क्या एक टेक्स्ट पे वर्क करता है या इसमें नंबर पे? तो नंबर पे वर्क नहीं करता। हाँ, नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा फिर वर्क करेगा, बट नंबर जब नंबर फॉर्मेट में है तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो क्या ये बाकी के मान वर्क करेंगे? जैसे मैंने डाल दिया 12, तो बाकी कोई कमांड भी इस्तेमाल नहीं होगा, ना कंटेन, ना स्टार्ट विद, ना एंड विद, कुछ यूज नहीं होगा। सो ध्यान रखिएगा चीज। अब इसमें एक चीज और आता है कि ये तो थोड़ा डिजिट का है, लेकिन मेरे पास एक और नाम है। नाम ये आईडी होता है इस तरह से, एक तरह से आपका ये जो है छह डिजिट का नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, इसमें क्या होता है कि नेम होता है, जैसे कि मान लीजिए DF, तो राजू कर देते हैं राजू, और यहां पे इसके नंबर होते हैं। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से सेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास 6 डिजिट का कोड है, 6 डिजिट कोड है, उसके बाद यहाँ पे एक हमारा नेम होता है, वेंडर नेम या वेंडर कोड होता है, जैसे राजू हो, अब राजू भी हो सकता है, समीर भी हो सकता है, नीरज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट हमें कंफर्म है कि भाई 6 डिजिट तो नहीं होगा, 6 डिजिट के बाद वाले डेटा को हाईलाइट करनी। तो यहां पर मैं 4 5 6 7 8 9 नहीं, यहां पे 4 5 5 और 6 और फिर स्टार्ट। क्योंकि ये डाल है क्योंकि यहां पर पूजा कुमारी है ना, इसकी सी उठा दिया। यहाँ पे मैं 9 क्वेश्चन मार्क देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे स्टार्ट। अब आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन मार्क, कितने डिजिट के बाद, कम से कम इतना डिजिट तो होना ही चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। इस केस में यहां पे हमने स्टार्ट को लगाया। तो लाइक कमांड वी लुकअप में आप लोगों को समझ में आ गया? किसी कोई डाउट तो नहीं है? दीपक जी, प्रसून जी, विजय जी एंड विशाल जी? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है मल्टीपल शीट वी लुकअप। जी हाँ, मल्टीपल शीट वी लुकअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल डेटा कर लीजिए, अगला टॉपिक हमारा है। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, ये अलग अलग शीट भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं एक ही सीट पे दिखा रहा हूं, ये अलग अलग शीट का भी हो सकता है। और यहां पे नेम, इसको कॉपी करके मैं मान लीजिए कि हमारा डेटा 1 है, हमारा डेटा 2 है, क्योंकि दूसरे शीट में है, और यहां पे हमारा 15 में से स्टार्ट। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 14 है, ये हमारा 15 से लेकर 28 है, और नाम जो है हम यहाँ पे
चेंज कर देता हूं। अब यहां पे सर्च में मुझे मेरे पास सर्च में यहां पास मेरे पास एक नंबर से आने हैं और सात भी आ सकते हैं। तो यहां पे हमने VLOOKUP लगाया, VLOOKUP इसको सिलेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, इससे होमवर्क मिलने वाला आप लोगों को। और यहां पे कॉमा 2.0 दे दिया तो उमेश आ गया। अब मान लीजिए मैंने 27 कर दिया तो एरर आएगा, क्योंकि 27 जो है दूसरे डेटा शीट या दूसरे डेटा टेबल से है। कॉमा 2.0 तो यहां पे हमारा 4 भी हो सकता है और यहां पे हमारा 24 भी हो सकता है। अगर 24 होगा तो पहला टेबल में डेटा नहीं है, दूसरे टेबल से ढूंढना पड़ेगा। तो इन दोनों VLOOKUP को एक ही सेल में लगाना है। कैसे लगाना? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर का कमांड। इसका कमांड इफ एरर। तो इफ एरर एक फॉर्मूला है जो कि आपको एरर देता है कि एरर के जगह पे आपको आपको फैसिलिटी देता है कि एरर के जगह पे आप अपने हिसाब से कोई रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैंने इस एरर दिया कि अगर हमारा पहला VLOOKUP जो है VLOOKUP 1 है, अगर ये एरर दिए तो VLOOKUP हमारा 2 चले। अगर पहले VLOOKUP में डेटा हो तो पहले VLOOKUP को शो करे, 2 को इग्नोर कर दे। तो अब क्या हुआ कि अब मैं यहां पे 4 डालू या 24 डालू या 11 डालू या 21 डालू, रिजल्ट हमारा दोनों टेबल से आ रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी डेटा टेबल या मल्टी शीट VLOOKUP। क्लियर है? कोई डाउट इसमें सर आप लोगों को? नहीं सर। अब यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस एरर का फॉर्मूला 2007 ऑनवर्ड है, लेकिन जब 2003 में, हालांकि इसकी बताने की जरूरत नहीं है बट कंसेप्ट समझा देता हूं, कभी ऐसी इन फ्यूचर में जरूरत पड़े। कि 2003 में आप जाएंगे तो आपके पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करते हैं? चलिए वो एग्जांपल भी समझा देता हूं। हालांकि ये फॉर्मूला इफ एरर का फॉर्मूला आ जाने से इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पे अगर कोई VLOOKUP लगाते थे, इसको सिलेक्ट करते थे, रिजल्ट आया। अब जैसे मैं यहां पे मान लीजिए कि कीज डाल दिया तो यहां एन में आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था इज एरर का। इज एरर क्या बताता है कि अगर किसी भी तरह का एरर आया तो उसको ट्रू या फॉल्स में दे देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला दिया कि इफ अगर ये ट्रू है तो पहला VLOOKUP चले, नहीं तो दूसरा VLOOKUP चले। समझे? इसको मर्ज कर देता हूं एक बार। तो इस एरर ने बताया, इस एरर ने बताया कि इसमें एरर है, राइट? और ट्रू एरर ने क्या है, ट्रू या फॉल्स है। अगर एरर हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, इसको हमने गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया, हमने बोला कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो दूसरा VLOOKUP चले, अदरवाइज जो रिजल्ट है तो वही यहां पे शो करें, ये होगा। ठीक है, और ये इसमें हमारा पहला VLOOKUP, यहां पे दूसरा VLOOKUP पहले देना है, पहला VLOOKUP बाद में देना है, क्योंकि इफ आपका ट्रू एंड फॉल्स भी चलता है, तो ट्रू पहले देता है, फॉल्स बाद में देता है। अगर फॉल्स हुआ मतलब कि हमारा पहले वाले डेटा में ही रिजल्ट है, अगर ट्रू हुआ तो डेटा में रिजल्ट हुआ। सिंपल, देखिए क्या कर रहा है, इसको लग रहा है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको फॉर्मूला एवलेट करके समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या मैं रहा VLOOKUP, तो पहले VLOOKUP ने एरर दिया, इस एरर ने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया।
ट्रू करते ही फिर दूसरा वी लुकअप चला और दूसरे डेटा से डेटा मोहन दे दिया, राइट। अब मैं इसमें मान लीजिए वन देता हूं, अब इसको देखिए, अभी चला वी लुकअप ने रिजल्ट दिया, इस एरर हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो वो जो है इस लुक जो पहला वी लुकअप था, पहले डेटा वी लुकअप था उसको इसने रन किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2003 पे ऐसा होता था, हमें अभी क्या इसकी क्या मतलब अच्छी करनी है, हमें तो कभी इसको यूज करना नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहां डेटा में आपको डेटा है ना, अगर मान लीजिए यहां पर डेटा रिजल्ट आ गया जी दिया है। अब मैं यहां पर फाइव सर्च में फाइव देता हूं, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, इनमें आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पहले वी लुकअप ने रिजल्ट ही एरर दिया है। इसमें वी लुकअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिए समझिए, इसमें वी लुकअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली आपके डेटा में पांच नंबर आईडी के अगेंस्ट एरर है, डीआईवी का एरर है, तो वी लुकअप ने उस एरर को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस एरर का आता है कि वी लुकअप जो है वो एरर तो नहीं है, एरर नहीं दिया है उसने, तो रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो फिर वो यहां पर दूसरे वी लुकअप को चलाता, दूसरा वी लुकअप बोलता है पांच तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहां से दूंगा। इन शॉर्ट रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इफ एरर जैसे जीरो आया ऐसे उसने दूसरे वी लुकअप को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन असल में ये जो इफ एरर हमारा है, जो डीआईवी का एरर है, वही हमारा रिजल्ट है। बट एरर होने के कारण इफ एरर वो उसको एरर समझ के आगे की तरफ फॉरवर्ड। तो प्रसून जी, दीपक जी एंड विजय जी, प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है? अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम इज एरर से कैसे करेंगे, क्योंकि इज एरर भी तो इसका रिजल्ट ट्रू ही देगा ना, इज एरर लगाते हैं तो रिजल्ट ट्रू देगा ना, क्या? तो इज एरर क्यों लगाएंगे हम? इज एरर की जगह पे हमारे पास एक होता है इज ई एरर, ई डबल आर। इसका काम क्या है कि वो ट्रू देगा, हर किसी को ट्रू देगा एरर पे, सिर्फ एनए को छोड़ के। अगर एनए का एरर आया तो एनए के एरर में फॉल्स हो गया। तो वी लुकअप किसका एरर देता है? एनए का एरर देता है। तो यहां पे अगर हम इज एरर की जगह पे इज दें, तो अब यहां पे मैं फाइव देता हूं, तो फाइव में एक मिनट फिर नहीं क्यों है इजर ट्रू दिया। ओ सॉरी 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 इज ईयर, हाँ इज एन नहीं, यहां पे इज एरर नहीं लगाएंगे, मैं गलत बोल गया था, इज एन लगता है, ठीक है सर। तो इज एन ए क्या करता है कि अगर एन ए है तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको सर? हाँ।
अब आप लोगों के पास होमवर्क है, इस मल्टीशीट वी लुकअप को रेफरेंस में लेते हुए आपको इसमें क्या है कि बस दो सीट या दो टेबल का डेटा देता है, आपको टोटल पांच डेटा सीट या पांच डेटा टेबल से डेटा उठा सके, ऐसी मेथड क्रिएट करनी, ऐसी फॉर्मूला क्रिएट करनी। क्या करना है कि आपके पास पांच सीट में डेटा है और आपको एक सेल में कई सारे वीलुकअप को कंबाइन करना है इस एरर की मदद से, जो कि पांच डेटा सीट का डेटा में लुकअप करके दे। क्लियर है क्वेश्चंस? करके भेजिए, फिर कल हम बात करेंगे वीलुकअप लिस्टिंग, कल हमारे वीलुकअप की लास्ट क्लास होगी। ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम।